फरमाइश है हितेन भाई ने। मेरा एक दोस्त है पीटर डिकोस्टा, एक दिन मुझसे कहता है कि यार मेरे साथ मस्जिद चलेगा। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कि वो लोकल ट्रेन से मस्जिद बंदर जाने की बात कर रहा है। तो कविता बनती कि लोकल ट्रेन मिटा दे जात पात का हर मतभेद, पीटर जाए मस्जिद बंदर और मूसा भाई चर्च गेट। क्या बात। मुश्किल है रोज सफर करना, पर मुंबई कर है ढीठ। He travels from one end to the other. He has to make both ends meet. पटरी का और पहियों का आखिर इस पेट पर एहसान है। पटरी का और पहियों का इस पेट पर एहसान है, रेल है तो रोटी है, ये लाखों का विधान है। आप में से कौन सेकंड क्लास डिब्बे की थ्री सीटर बेंच पे चौथा बैठा है? एक टांग और आधी जांघ पे बैठना, अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट का प्रकार है। और कंघी से पंखा चलाने वाला मुंबई कर कोई मामूली मुसाफिर नहीं, कलाकार है। क्या बात, बात तुषार भाई। रश आवर को यहाँ पे रही साहब क्रश आवर कहते हैं। उस भीड़ में मेरा पसीना मेरा है या किसी और का पता नहीं चलता। शाम घर लौटते किसी और के पसीने या परफ्यूम की बू हमारी बन जाती है। परफ्यूम हो तो पत्नी जी शक करती हैं और पसीना हो तो कपड़े हमसे धुलवाती है। दफ्तर से घर तक का सफर होता है, दफ्तर की मानसिक मुठभेड़ों घर की मानसिक मुठभेड़ों के बीच लोकल ट्रेन की शारीरिक कठिनाइयां अच्छी लगने लगती हैं। दफ्तर में नींद आती है पर सोने की सुविधा नहीं होती, घर पर सोने की सुविधा होती है पर नींद नहीं आती, लोकल ट्रेन में ना सुविधा होती है ना जगह होती है पर नींद। तो ये कहना गलत होगा कि मुंबई वाले सिर्फ मौत के बाद चार कंधों का सहारा पाते हैं। लोकल की भीड़ में खड़े खड़े सोना हो तो जीते जी चारों तरफ से कंधे मिल जाते हैं।